नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे और मैं मनोज पंडित। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल के पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं पिछले सप्ताह और अभी 1014 सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं हमने। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने 1000 सब्सक्राइबर किस तरह से गेन किए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप भी आसानी से 1000 सब्सक्राइबर्स को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप YouTube के प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको सबसे पहला जो आपके माइंड में चल रहा होता है वह 1000 सब्सक्राइबर्स चल रहा होता है और 4000 वॉच टाइम कि किस तरह से हम पूरे करें तब हम YouTube में जाके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरे कर सकते हैं और 4000 वॉच टाइम, तो दोस्तों ये थोड़ा अजीब है, आप उस तरह से मत सोचिए। आप इस तरह से सोचिए कि हम YouTube को कितने वीडियो दे सकते हैं, हम में कितना टैलेंट है, हम कितना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं, उस तरह से आप सोच के आइए और YouTube में वीडियो बनाइए। दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए वीडियो को, बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए, बहुत ही ध्यान लगाइए वीडियो पे। जरूरी नहीं कि आप पर डे वीडियो डालिए, अगर आप में उतना क्षमता है कि आप अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके एडिटिंग करके आप वीडियो को डाल सकते हैं तो आप रोजाना डाल सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम वीडियो को शूट कर लेते हैं लेकिन अच्छे से एडिट नहीं हो पाता है तो वो वीडियो थोड़ा फ्लॉप हो जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ हमारा एक्सपीरियंस जो है, हमने पहले जब YouTube पे आए थे दोस्तों तो हमारा माइंड में भी वही चल रहा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करें और 4000 वॉच टाइम हम कैसे ला सकते हैं। तो हमने उसी तरह से लगभग 20 वीडियो डाल दिए, व्यूज ही नहीं आता था क्योंकि हमने YouTube पे पहले आए थे पर हमारा ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, तो सब्सक्राइबर्स नहीं होने के कारण दोस्तों हमारा व्यूज भी नहीं आता था। तो हमने 20 वीडियो बनाई पहले, उसके बाद उस पर देखें थोड़ा अजीब सा लग रहा है और इधर व्यूज भी नहीं आ रहा है वीडियो पे, वो सोच करके हमने यूट्यूब को बंद कर दिया। लगभग 2-3 महीने तक हमने वीडियो ही नहीं अपलोड किया। एक दिन मेरा माइंड में कुछ ऐसा आया कि फिर हमने यूट्यूब को ओपन किया और यूट्यूब ओपन करके देखा तो हमने जो 20 वीडियो था उस वीडियो में से हमारा एक वीडियो था, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा, हमारा उसमें 10,000 व्यूज आ चुके थे और उसके पीछे एक और वीडियो था, उसी टाइप का वीडियो था, वो कैशलेस से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी और दूसरा वीडियो पे मेरा 5,000 व्यूज आ चुके थे और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ चुके थे, लगभग 300-400 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। तो ये हमने देख करके मेरा दिमाग थोड़ा अचंभित हो गया कि मेरा भी वीडियो वायरल हो सकता, हमारा सब्सक्राइबर्स भी नहीं था उस समय, बिल्कुल बिल्कुल नहीं था, क्या बताएं, उस समय हमारे 10-12 सब्सक्राइबर्स थे जिस समय हमने वीडियो अपलोड करना शुरू किया था। तो दोस्तों जब हमने फिर देखा YouTube को ओपन करके हमारा अच्छा खासा व्यू आ चुका है उस पे और सब्सक्राइबर्स भी कुछ आ चुके थे तो फिर हमने YouTube पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि हम YouTube से पैसे कमा लें तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों अगर आप ये सोच के आए हैं कि आप यहाँ पे आएंगे वीडियो डालेंगे आपका वीडियो वायरल होगा आप आसानी से पैसे कमा लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे समय बिताना पड़ेगा, लगभग 6 महीने से साल भर तक आपको समय बिताना पड़ेगा YouTube पे, तब जाके आप YouTube पे आप कुछ कर सकते हैं, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप वीडियो पे फोकस कीजिए, आप ये सोचिए कि हम महीने में कितने वीडियो आप YouTube को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टारगेट बना लीजिए कि हमें इस महीने में 20 वीडियो YouTube को देने हैं, आपको व्यूज की चिंता नहीं करनी है, सब्सक्राइबर्स की चिंता नहीं करनी है। अगर आप वीडियो डाल रहे हैं कोई ना कोई वीडियो ऐसा होगा जो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे 20 वीडियो में से 2 वीडियो वायरल हो चुका और वही वीडियो के मदद से आज हमने 1000 सब्सक्राइबर्स को पार कर लिए हैं, अगर आपका एक भी वीडियो वायरल हो जाता है दोस्तों तो आपको सब्सक्राइबर्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वही वीडियो आपको सब्सक्राइबर्स देंगे। दोस्तों आप मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद उस पर व्यूज नहीं आता है तो आदमी का थोड़ा माइंड थोड़ा लो लेवल हो जाता है क्योंकि हमने मेहनत करके हमने वीडियो बनाया और उस पर व्यूज नहीं आता है तो थोड़ा माइंड होता है ना दोस्तों थोड़ा अजीब सा लगने लगता है कि हम यूट्यूब पे क्यों आए थे, ये हमसे नहीं होगा।
तो दोस्तों आप ऐसा मत सोचिए, आप मेहनत कीजिए, आप अच्छे से वीडियो बनाइए और वीडियो बनाने के साथ आप अच्छे से एडिटिंग कीजिए और एडिटिंग से भी अच्छा आप थंबनेल बनाइए। जो फोटो होता है यूट्यूब के जो ऊपर में आपको दिखाई देता है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो दोस्तों उसी तरह से आपको अच्छा थंबनेल बनाना है। और अगर अच्छा थंबनेल आपका हो गया दोस्तों तो आपका वीडियो वायरल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। थंबनेल के साथ साथ दोस्तों आपको टाइटल पर भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, किस तरह से टाइटल हम डालेंगे जो कि हमारे YouTube की सर्च बार में आ सके। दोस्तों कोई भी अगर YouTube पे सर्च करता है तो अगर आपके सर्च रिजल्ट में आपका वीडियो नहीं आता है तो उसके कारण आपके व्यूज बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों आप ये कीजिए कि सबसे पहले अपना एक यूनिक एक अच्छा टाइटल चुनिए और टाइटल को पहले टाइटल में डालिए, इसके बाद उसे डिस्क्रिप्शन में भी डालिए और उसे टैग में भी डालिए। तीनों जगह पे डालने के बाद दोस्तों अगर कोई YouTube पे सर्च करता है तो आपके सर्च रिजल्ट में आ जाता है आपके वीडियो। तो आप इस तरह से अधिक आप टैग्स डालिए वीडियो पे, टैग्स का उपयोग कीजिए और टैग डिस्क्रिप्शन में भी डालना डालिए दोस्तों, उस पे मत भूलिए, बहुत ही जरूरी है डिस्क्रिप्शन पे टैग डालना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में भी डालिए और टैग में भी डालिए, दोनों जगह पे आपको टैग्स डालने हैं। और टाइटल तो बहुत ही यूनिक होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नए नए टाइटल्स होना चाहिए। इस तरह का टाइटल दीजिए कि अगर कोई यूट्यूबर उस तरह का सोच नहीं पाया हुआ, एक यूनिक आप अपना दिमाग से सोचिए और आप टाइटल लगाइए, तो देखते हैं आपको ग्रो करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। आप यूट्यूब पे आइए और ग्रो कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से आप 1000 सब्सक्राइबर्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और 4000 वॉच टाइम भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे और हम इसी तरह का वीडियो लाते रहे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।